आज शायद ये मेरा लास्ट स्टेज फंक्शन होगा क्योंकि इसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं यहाँ हमारे कॉलेज में. तो मैं चाहूंगी कि अभी तक का मेरा जो भी सफर रहा कॉलेज में वो ऑफकोर्स अच्छा ही रहा, तो मैं अच्छा है बुरा तो नहीं कहूँगी, ऑफकोर्स अच्छा रहा. तो मैं एक कविता के माध्यम से दर्शाना चाहूँगी. सो फर्स्ट आई डिस्क्राइब कि मैं जब स्कूल से यहाँ आई थी तो कैसा रहा, कैसा नए लोग, नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स. कि आज भी वो लम्हा याद है, टेंथ छोड़ 11th के सफर की शुरुआत है. स्कूल्स के उन यादों को दिल के संदूकों में छिपाना याद है, 12 सालों का वो सफ़र सुहाना याद है. टीचर्स के लाड़ प्यार में थोड़ा बिगड़ना याद है, दोस्तों के बीच खुलकर मुस्कुराना याद है. LKG से 10th तक का वो सफ़र सुहाना याद है. कोई अंदेशा भी ना था अगली मोर डेडिकेटेड कॉलेज पहुँचेगी, अपनी लकीरें इस कदर उस घड़ी बदलेंगी. मन ने रोका, दिल ने टोका, दोस्ती में क्या रखा है मन ने पूछा. 11th 12th केवल पढ़ाई लिखाई मन ने सोचा, पर दोस्त कुछ ऐसे नसीब हुए सिखाया जिन्होंने हम दिल की भी सुने. जीवन को देखने का कुछ दोस्त अलग ही नजरिया है सिखाते, जो मात्र हमारी दिल की बात ही नहीं सुनते, कुछ हमारे आंखों और चेहरों को भी है पढ़ते. होते होंगे 11th 12th के लेक्चरर्स कि होते होंगे 11th 12th के लेक्चरर्स हमारे लिए तो हमारे सब कुछ है हमारे टीचर्स. केवल पढ़ना ही नहीं, जीवन जीना सिखाया, हर मोड़ पर रफ्तार कम कर मुड़ना बताया. दो पंक्तियां उनके लिए जिन्होंने इतनी सुंदर यादें सजाने के मौके दिए, हमारे प्यारे जूनियर्स. हम सीनियर्स की बातों पर हमेशा अपनी हार लिए, जूनियर्स भले थे हो पर हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाए. कॉलेज टाइम इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, इट्स अबाउट आवर क्वालिटी टाइम एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज. इट्स अबाउट ओबेइंग टीचर्स इन द फ्रंट यार्ड and pointing out their every silly mistake in the backyard, innocent from face and mischievous in each and every case, from eating tiffin during leisures to enjoying others' teachers, enjoying first, middle and last benches every time. College time was indeed the best time. From being the most disciplined to the most indisciplined, every phase and stage of college was equally enjoyed. From peeping through the window glass to find out what's happening in the juniors class, from having the best group of classmates to having juniors as friends whose sincerity never fails, from studying nomenclature in the class of organic to naming our lovely teachers and doing their mimic, we don't have much pics of our mates as memorials, but we do have lots of memories in different ceremonies. Bunking classes together, these were the things we would definitely miss in our future. दो साल के उस सफर को दो पल में कैसे समेट पाऊंगी, इतनी सुंदर इस कहानी की जब मैं अंत पर आऊंगी. दो साल के उस सफर को मैं दो पल में कैसे समेट पाऊंगी. थैंक यू एवरीवन. बट माय परफॉर्मेंस इज नॉट येट एंडेड, आई हैव समथिंग मोर फॉर यू. And now it's a collab with my lovely junior, Rakshita Ranjan. Can I have Rakshita Ranjan on the stage, please? ये जो कुछ भी मैंने कहा ये मेरी फीलिंग्स थी, बट मेरी फीलिंग्स को कागज पर उतारने का काम रक्षिता ने किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रक्षिता. नाउ वी हैव समथिंग टुगेदर. We all are aware of the coordination of classmates. कल मेरा और मेरी best friend अंजनी का coordination भी सबने देखा है anchors. आज हमारे जो anchors हैं रितेश एंड गौरव वो भी classmates हैं, उनका coordination भी हम देख रहे हैं. But today I am Manaswini of standard 12. Hi Rakshita, standard 11. And I am Rakshita, standard 11. We all are standing here on the stage, sharing it together. We are here to prove. We are here to prove that a senior and a junior may also have a very well coordination. तो हम अपनी साथ की कुछ यादों को दो पंक्तियों में समेट कर आपके सामने रखेंगे. सुनिए.
जैसे कल की ही बात है, बिताए अपने कई लम्हे साथ है, जैसे कल की ही बात है, जैसे कल ही तो हमारी फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, मजाक मस्ती जो पूरे दिन चली थी, जैसे कल ही तो हमारे सीनियर्स ने हमारे स्वागत की तैयारियां की थी, जैसे कल की ही बात है, बिताए हमने कई लम्हे साथ हैं, जैसे कल की ही बात है, बिताए हमने कई लम्हे साथ हैं, जैसे कल ही तो जूनियर्स के वाहवाही के चर्चे सुने थे, जैसे कल ही तो जूनियर्स के वाहवाही के चर्चे सुने थे, सबने साथ मिलकर कई रंगीन यादें बने थे, जैसे कल की ही बात है, बिताए हमने कई लम्हे साथ हैं, जैसे कल ही तो हमारी सीनियर्स से हुई मुलाकात है, अलविदा की घड़ियां फिर क्यों इतनी पास है, अलविदा की घड़ियां फिर क्यों इतनी पास है, जैसे कल की ही बात है, बिताए हमने कई लम्हे साथ हैं, जैसे कल की ही बात है, जैसे कल ही तो सबने मिलकर टीचर्स डे मनाया था, सीनियर्स जूनियर्स ने क्या खूब रंग जमाया था, जैसे कल ही तो हम सबने मिलकर टीचर्स डे का सरप्राइज रखा था, जैसे कल की ही बात है, बिताए हमने कई लम्हे साथ हैं, जैसे कल की ही बात है, जैसे कल ही तो हमारी गरबे की तैयारियां हुई थी, गरबे की ताल पर पूरी डेडिकेटेड सोसाइटी जब साथ चूमी थी, जैसे कल ही तो हमारी आप सबसे मुलाकात हुई थी, जैसे कल ही तो हमारी आप सबसे मुलाकात हुई थी, जैसे कल की ही बात है, बिताए हमने कई लम्हे साथ हैं, जैसे कल की ही बात है, कितना भी बोल लें आज हम कई किस्से अनकहे ही रहेंगे, कि कितना भी बोल लें आज हम कई किस्से अनकहे ही रहेंगे, 2 सालों का ये सफर हम कभी बाद में विस्तार से सुनाएंगे, while our fist can't hold everything at once, we run behind the one and the other one runs, why can't our fist hold everything at once, we trying to tighten our fist, what pains is the rest. Why our fist can't hold past and future together, ki why our fist can't hold past and future together, this is what sometimes we wonder, this is what sometimes we wonder. Thank you everyone, thank you so much, and a very big thank to all my teachers who always supported me and gave me the chance to be in the front yard on the stage, and thank you so much, thank you.